दरवाजा बंद है? देखो तो स्पाइडर ने अपना फोटो दीवार पर लगा दिया। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला। ये क्या है? लगता है आज की रात मजेदार होने वाली है। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और जगह को चेक करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर करना चाहिए, लेकिन तीर तो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पास तो जादू की छड़ी है ना। क्या तुमने कभी हॉरर फिल्म नहीं देखी? कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग अलग होंगे कुछ न कुछ हमारे साथ बुरा होगा। वो क्या था? ये सब मुझे नहीं पसंद। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। दोस्तों क्या कभी तुमने भूतों की स्टोरी सुनी है? स्टार बेवकूफो जैसी बातें बंद करो। नहीं स्टार कहाँ चली गई? क्या अब हम मरने वाले हैं? डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखो। हाँ तुमने सही कहा, तो हो जाए जंग। मैं तुम्हारा बदला लूंगी स्टार बटरफ्लाई। मेरिडा तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ मैदान में। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अलग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता तो सब ठीक ही है। दूर रहो मुझसे। ओ, ये तो बस मॉन्स्टर। मॉन्स्टर? स्टार क्या ये तुम हो? मैं खुश हूँ कि तुम मिल गई। मैं डर गई थी स्टार। स्टार स्टार कुछ बोलो ना स्टार। स्टार तुम ठीक तो हो? लेडी बग मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। स्टार ये तुम्हारे साथ किसने किया? नीली परछाई को हटाओ। क्या कौन सी परछाई? नीली वाली परछाई, वो दुष्ट है। स्टार तुम मुझे डरा रही हो। सबसे डरावनी चीज तो अब आने वाली है, जल्दी भागो इससे पहले कि देर हो जाए। कहाँ? लेकिन जाऊँ कहाँ? 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 जल्दी यहाँ से जाओ। मेरिडा तुम कहाँ हो? नीली परछाई। मेरिडा, कई साल बीत चुके हैं और हम अब भी जिंदा हैं। अजीब लग रहा है ना? अरे क्या बात कर रही हो, आधा घंटा ही तो हुआ है अभी। कौन है? तुम्हारी मौत, नीली परछाई। क्या तुमने भी उसे देखा? किस्मत का लिखा होगा ही। अगर तुमने ये बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें एक मुक्का मार दूंगी। ठीक है। अरे वो देखो फोन, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे नहीं, और तुम्हारे योयो का क्या? हाँ अच्छा याद दिलाया, अरे वो तो घूम गया। चलो ठीक है, हम उसे अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने स्टार को देखा है, हम उसे नहीं बचा सकते। तो फिर हमें उस परछाई को पकड़ना चाहिए। हमें उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। मैं ऐसे चारा बनकर नहीं खड़ी रह सकती। तुम कहाँ हो लेडीबग?
मैं यहाँ अकेली हूँ। यहाँ तो कोई भी दोस्त मेरा इंतजार करता हुआ नहीं दिख रहा है। हे भगवान, परछाई मुझे पकड़ लेगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, कितनी शर्म की बात है ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे नहीं, मैरीना, मैरीना, मम्मी, क्या आज मेरा क्लास मिस हो जाएगा? लेडीबग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुपर गर्ल, क्या ये तुम हो? सब ठीक तो है ना? यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुमने क्या कर दिया? मेरिडा, तुम ठीक हो ना? क्या तुमने उसे पकड़ लिया? पकड़ लिया समझो। लो, सुपर गर्ल आ गई हमें बचाने के लिए। क्या तुम बताओगी कि ये सब क्या चल रहा है? भागो, भागो, भूत हमारे चारों तरफ है, नीली परछाई आ रही है। अब बस नहीं करो स्टार, ये मजाक का समय नहीं है। मजाक? तुम्हारा मुंह तोड़ देती, लेकिन मुझे अपना हाथ नहीं तोड़ना। स्टार, क्या ये तुमने पहले से ही सोच रखा था? नहीं तो बिल्कुल नहीं। जब मैंने फोटो में आंखें देखी तब मुझे भूतों की वो सारी कहानियाँ याद आ गईं। ऐसा लगा हम उनमें से एक से मिल चुके हैं। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मेरे दोस्तों को ले जाओ। मुझे जाने दो, मैं सबको ले आऊंगी। स्टार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? मतलब क्या है? तुमने हमें कितना डरा दिया। हमें लगा यहाँ पर भूत है। भूत? मुझे दोस्तों को सब बताना होगा। रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वैसे तुम इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रही थी? हमेशा की तरह पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कितना समय हो गया। जब घड़ी को देखा तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर जाने का सोचा, लेकिन मैजिक क्लासरूम से पास होते हुए मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। मुझे लगा तुम तकलीफ में हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। तभी मैंने स्टार को पकड़ा और प्रैंक करने की सोची। लेकिन मेरे हाथ से जो फोन गायब हुआ था उसका क्या? वो तो सुपर वेलोसिटी थी। अरे, मेरे सिंह कहाँ चले गए? मैं उन्हें कहाँ भूल गई? किसी को कुछ मत कहना, तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें ए मार्क मिल जाएगा सिवाय स्टार के। अरे, मैंने सब देखा है। ठीक है, तुम्हें भी। ये हुई ना बात।